ब्रेकिंग न्यूज पलवल से सामने आ रही है। दरअसल पलवल में होटल में लूट की कोशिश हुई है, तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नकाबपोश बदमाशों ने लूट की कोशिश की है, तो आप देखिए सीसीटीवी फुटेज भी यहाँ पर सामने आ चुका है। होटल मैनेजर और कैशियर पर फायरिंग भी कर दी गई है, तो इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए तस्वीरें सामने आ चुकी है, पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो चुकी है, जहां पर बदमाश आते हैं कैशियर और मैनेजर पर फायरिंग भी की जाती है। दोनों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे जिनमें पूरी घटना कैद हो गई है। तो पलवल में होटल में लूट की कोशिश की गई है, देखिए खुलेआम ये फायरिंग की गई है। लाल टी शर्ट में लड़का है जो सुहाफी बांध के अंदर आता है और सबसे पहले ताबड़तोड़ फायरिंग कर देता है। होटल मैनेजर और कैशियर पर यह फायरिंग की गई है, तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी पलवल से। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जहां पर अंदर घुसते ही सबसे पहले फायरिंग कर देता है और ऐसे में बाल बाल सभी लोग बच गए हैं। आपको बता दें ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पलवल के होटल में लूट की कोशिश हुई है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है, नकाबपोश बदमाशों ने लूट की कोशिश की है, जिसमें बदमाशों के हौसले आप देख सकते हैं कितने बुलंद है। जैसे ही मेन गेट से एंटर अंदर करते हैं बदमाश, सबसे पहले फायर झोंक देता है, उसके बाद एक दो फायर और किए जाते हैं। तो आपको यह भी जानकारी दे दें कि कैशियर और मैनेजर पर यह हमला किया गया है, पिस्टल से फायर किया गया है। तो आपको बता दें पलवल से यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पलवल के होटल में ये लूट की कोशिश हुई है, जहां पर एक नकाबपोश बदमाश अंदर आता है और आराम से फायरिंग करके फरार भी हो जाता है। तो पुलिस प्रशासन पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार खुलेआम इस तरीके की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है और ऐसे में खास तौर पर पिस्टल लेके आराम से बदमाश घूमते हैं, लेकिन पुलिस के पास सिर्फ और सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं है। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता भगत तेवतिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। भगत, जिस तरीके से एक होटल में लूट की कोशिश हुई है और सरेआम फायरिंग की गई है, पूरी घटना क्या है और दूसरा सवाल पुलिस की तरफ से अभी तक क्या कार्रवाई? यहाँ पर अगर देखें तो जो आगरा चौक शहर का सबसे व्यस्त चौराहा और यहाँ पर जो होटल पॉश है, ये यहाँ जब चारों तरफ यहाँ हम देखें तो उसके 50 मीटर दूरी पर जहाँ कैंप थाना है, सदर थाना है, महिला थाना है, वहीं पुलिस बूथ भी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो अपराधी हैं वो सरेआम होटल में घुसते हैं और घुसकर जो वहाँ पर मैनेजर और दूसरे लोग हैं उन पर गोली चलाते हैं और बेखौफ होकर आराम से निकल जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस की कार्रवाई न होना पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक सवाल या निशान खड़े करता है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है, तो बदमाश की पहचान अभी तक हो पाई है क्या? नहीं, अभी सीसीटीवी जो वो सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने वहां से जो होटल से ले लिए हैं, लेकिन उसके आधार पर पुलिस का कहना है कि केवल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामला दर्ज कर लिया और अभी तक आरोपियों की जो पहचान नहीं हो पाई। चलिए ठीक है भगत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।